तो कल हम लोग प्रकृति की चार अवस्थाओं की धारणा और स्वभाव को लेकर चर्चा कर रहे थे। बेसिकली हम लोग स्वयं में ज्ञान को लेकर बात कर रहे हैं, और ज्ञान का मतलब क्या है? स्वयं में चिंतन, बोध, अनुभव का जागृत होना। चिंतन में व्यवस्था में भागीदारी यानी संबंध यानी स्वभाव दिखाई देता है। बोध में स्वयं में व्यवस्था दिखाई देती है। इन चारों अवस्थाओं को सामने रखकर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इस पर पहले भी हम लोग डिस्कशन किया था और कल हम उसको एक बार दोहराया, और असाइनमेंट के रूप में ये था कि अगर इनमें से कोई भी शब्द स्पष्ट नहीं है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, उस पर डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। अगर ये शब्द स्पष्ट है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो कल यदि आपने इन शब्दों पर सोचा और उसमें लगता है कोई शब्द अगर स्पष्ट नहीं है तो अपनी बात रख सकते हैं, कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं जी। तो ये ध्यान में आता है अपने को कि स्वयं में ज्ञान का मतलब है कि चिंतन, बोध, अनुभव में जागृत होना, और ये 9 मुद्दे हैं। चारों अवस्थाओं की स्वयं में व्यवस्था को दिख पाना, चारों अवस्थाओं का स्वभाव दिख पाना और सहस्तित्व दिख पाना, इतने के लिए हम काम कर रहे हैं, है ना। यही दिखने से मेरा सुख निरंतर बना रहता है, यही नहीं दिखने से मेरे सुख में निरंतरता का भाव रहता है। पक्षी को देखना समझना ही शरीर यात्रा की उपलब्धि है, क्योंकि तो इससे ही स्वयं का विकास होता है। ये बात हमको ध्यान में बनी रहे, है ना, ताकि हम उसके लिए सतत काम करते रहें, ध्यान देते रहें, अभ्यास करते रहें। जी भैया, नेक्स्ट लगा दीजिए। तो स्वयं की क्रियाओं से जोड़ कर देखें तो ऐसा दिखाई देगा जी। नेक्स्ट एक बार क्लिक करिएगा। तो चिंतन का मतलब क्या हुआ? अपने से बड़ी व्यवस्था में अपनी भागीदारी को देख पाना। दिखता है कि प्रकृति में हर इकाई का एक निश्चित भागीदारी है, और इसको देख पाना हर इकाई का हर दूसरी इकाई के साथ, यही चिंतन है। तो अगर मानव के अर्थ में देखें तो इसका मतलब हुआ कि मैं देख पाऊं कि मेरी इस अस्तित्व में क्या भागीदारी है। तो आप देखेंगे कि जितनी बार भी वो पोल के लिए कोई सिंबल आता है या रिफ्लेक्शन के लिए सिंबल आता है तो उसमें एक व्यक्ति का चित्र बना हुआ है, वो देख रहा है कि पूरी स्थिति मेरी भागीदारी क्या है ना। ये बात हमें भी स्पष्ट हो कि हम जीत तो रहे हैं, बट इस अस्तित्व में मेरी भागीदारी क्या है। और अस्तित्व को ही अगर क्रमशः देखने जाए तो मेरी क्रियाओं की मेरे सुख में भागीदारी क्या है, मेरी शरीर के साथ भागीदारी क्या है, मानव के रूप में देखें तो मेरे परिवार में भागीदारी क्या है, समाज में भागीदारी क्या है, प्रकृति में भागीदारी क्या है, ये सारा दिखना बनता है। इसी को मूल्य का, इसी को मानव मूल्य कहा, बोला ह्यूमन वैल्यूज कहा। तो ये देखने के ही क्रम में हम सभी प्रयासरत हैं। तो इसी क्रम में हमको दिखता है, जैसे अगर हम मानव की बात करें तो मानव के साथ मेरी परस्पर पूरकता क्या है, तो दिखता है कि उभय सुख के अर्थ में है। उभय सुख को ही हम अगर फैला के देखें तो अखंड समाज तक जाता है, जिसका आधार विश्वास का भाव है। और जब मैं विश्वास के भाव से शुरू करता हूँ, धीरे धीरे अपने अंदर प्रेम के भाव को सुनिश्चित कर पाता हूँ, तो अखंड समाज का आधार बनता है। तो हर मानव के अंदर प्रेम का भाव सुनिश्चित हो जाए, या प्रेम का भाव सुनिश्चित करने की शिक्षा में व्यवस्था हो जाए, समाज में व्यवस्था हो जाए, तो समाज अखंड हो जाता है। तो इस तरह से मैं अपनी जीने में एक निश्चित भागीदारी को देख पाता हूँ, और फिर मेरी जो इच्छा होती है इन निश्चित भागीदारी को पूरा करने के क्रम में होती है। जब ऐसा होता है तो मेरी इच्छाएं निश्चित हो जाती हैं। अभी मेरी इच्छाएं जो पूर्व संस्कार हैं उनके दबाव में, प्रभाव में, जो बहुत सारी मान्यताएं हमने बना ली हैं स्वयं के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, प्रकृति के बारे में, उनके कारण मेरी इच्छाएं अनिश्चित बनी रहती हैं, इसलिए मेरे में असंतोष बना रहता है। परंतु जब चिंतन के आधार पर चित्रण निश्चित होता है तो मेरी इच्छाएं निश्चित होती हैं। अब जब भी कोई इच्छा मेरे अंदर होती है, जब भी मैं कोई चित्रित करता हूँ भाव को, तो व्यवस्था के अर्थ में ही होता है। किसी प्रति विरोध के भाव को रखकर मैं चित्रण नहीं करता, कोई अव्यवस्था फैलाने का मैं चित्रण नहीं करता। ये मैं करता हूँ तो मैं दुखी रहता हूँ, मेरे इच्छा में संतोष का अभाव रहता है। मैं किसी सुविधा से मिलने वाली संवेदना से छुट्टी होने की निरंतरता की कामना नहीं करता, तो मेरी इच्छा निश्चित हो जाती है। ये जो इच्छाओं का निश्चित होना है, यही संतोष है। और मुझे ये भी दिखता है कि जो निश्चित इच्छाएं हैं उनको पूरा करने की व्यवस्था पहले से प्रकृति में बनी हुई है।
ये इतनी मतलब एक तरह से आप देखें तो टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, कि अभी जहां हम अपनी इच्छाओं से खुद पराजित रहते हैं, जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरी धरती कम दिखाई देती है, और हमारे अंदर कभी ये आश्वस्ति ही नहीं होती कि हर व्यक्ति की हर इच्छा पूरी हो सकती है ना। अभी भी पूछा जाए तो अपने आप से तो लगेगा कि ये क्या विचित्र बात है, क्या हर व्यक्ति की हर इच्छा पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती, ऐसा ही लगता है। बट यदि चिंतन के साथ देखें तो हर व्यक्ति की हर इच्छा पूरी हो सकती है। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इच्छाएं अब संबंध के अर्थ में है, व्यवस्था के अर्थ में है, अस्तित्व के अर्थ में है। तो दिखता है कि हर व्यक्ति की हर इच्छा निश्चित है, और हर व्यक्ति की हर इच्छा को पूरा करने का प्राविधान पहले से ही है। तो कितनी मजेदार बात है। जब मैं अपने आप में इस चीज को देखता हूँ तो मेरे अंदर संतोष का भाव होता है ना। असंतोष तभी होता है जब इच्छाएं अनिश्चित रहती हैं। इच्छाएं निश्चित होती हैं और उसको पूरा करने का प्राविधान प्रकृति में पहले से ही है, तो उसको देखने भर से मेरे अंदर संतोष हो जाता है। आप देखें तो स्वयं में क्या तृप्ति की स्थिति होगी अभी जहां हम जी रहे हैं, और जहां हमारे अंदर ये आश्वस्ति बन जाए, जहां हमारे अंदर शंका भय कल्पनाशीलता को घेरे रहते हैं, थोड़ी देर भी अपने साथ बैठते हैं और बहुत सारी शंकाएं भय द्वंद हमें घेर लेते हैं, उसके स्थान पर मेरे अंदर ये आश्वस्ति होती है, मेरी इच्छाएं हर क्षण संबंध के अर्थ में है, व्यवस्था के अर्थ में है, अस्तित्व के अर्थ में है, और उसको पूरा करने का प्राविधान पहले से ही है, बस मुझे उसके अनुसार जीना है कि नहीं, क्या लगता है उपलब्धि है कि नहीं? जी मृणाली जी, कोई प्रश्न हो तो बताइए। नमस्ते। या ये पूछना चाह रहे थे, जैसे कल ध्यान दिलाए जो मतलब हमारे अंदर इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है कि नहीं, कि हम लोग स्पेस के बारे में और उसके बारे में जाने, तो उसके रिगार्डिंग हम ये पूछना चाह रहे हैं। जो हम लोग तो मान लीजिए आवश्यकता जब महसूस हुई तब ना पहले वर्कशॉप से और इसको जितना भी स्थिति परिस्थितियां कंटिन्यू किए, और अभी हम लोग उसको क्रमशः बढ़ रहे हैं कि पहले शरीर वाला भ्रम था, फिर ये जो अपने अंदर जो संबंध वाला चीज जो है, ये विश्वास सम्मान, इस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, भाषा भाष होता है कि जब हमारी योग्यता बन जाएगी तो फिर आप लोग जो गुरुजन है हमारे सामने स्पेस वाला भी प्रस्ताव रखेंगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो क्या इंडिकेशन होगा जो हमें लगेगा, जो हमें स्पेस के बारे में जानने की। आप देखिए भैया, ईश्वर, देवी देवता, अनादि अनंत, ब्रह्म वस्तु, ये सब तो हम लोग सुने ही है, तो जानने की इच्छा तो है ही, और हम जितना अभी जान पाए उससे तो वो कुछ पूरा हो नहीं पा रहा है। जी तो फिर आप इस पर क्या कहें? वही तो, हमारी तैयारी अनुभव तक पहुंचने की तब होती है जब चिंतन और बोध में हमें स्वभाव और व्यवस्था दिख चुकी होती है। तो जब चिंतन में हमें हर एक अवस्था के साथ अपनी भागीदारी दिख जाती है, बोध में हर एक अवस्था की स्वयं में व्यवस्था दिख जाती है, तो उसके जब आधार को देखने की है ना तैयारी बनती है, तब जाकर अनुभव के लिए तैयारी बनती है। तो उस पॉइंट पे यदि सहस्तित्व के संबंध में बात रखी जाए तो ज्यादा सटीक ढंग से पहुंचेगी, प्रश्न भी हमारे ज्यादा गंभीर होंगे। परंतु उसके पहले भी इससे बात तो हम लोग करते ही रहे, कम से कम वो दृष्टि तो बने। तो आपको स्वयं में देखना होगा कि चिंतन की क्रिया जागृत हो रही है कि नहीं, बोध की क्रिया जागृत हो रही है कि नहीं, यानी संबंध स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नहीं, व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नहीं, ये तो आपको ही देखना होगा। प्रस्ताव तो पहले से ही है, प्रस्ताव तो अगर एक शब्द में कहा जाए तो अस्तित्व सहस्तित्व है, इतना ही है, सहस्तित्व ही है मूल मुद्दा। उसको हम देख सके तो बहुत ही अच्छी बात है, अभी नहीं देख पा रहे तो उसके लिए हम इतनी सारी जो तैयारी कर रहे हैं उसको पूरा करने में लगे हैं। तो अभी हम जो अभ्यास एक में काम करते रहे कि अपने भाव के प्रति सजग हो और भाव में परिमार्जन के लिए काम करें, तो अभी वो तो काम हम पहले ठीक से करें, है ना, क्योंकि अभी बहुत सारा जो उथल पुथल है विचारों में, भाव में जी। तो परिमार्जन ही नहीं हो रहा भाव में, तो फिर आगे काम कैसे होगा? अभी तो एंट्री ही नहीं हुआ है, वो तो कम्प्लीशन पॉइंट है, रियलाइजेशन। अभी तो ब्लॉक बी वन में एंट्री के लिए काम कर रहे हैं जी। जी नहीं? जी जी भैया जी जी भैया, मेरा क्वेश्चन इवोल्यूशन से रिलेटेड है। जैसे हम फिजिकल जो भी हमारी एंटिटीज हैं, यूनिट्स हैं, उसके लिए हमें साइंस में बताया जाता है, मतलब उसके रिलेटेड रिसर्च और स्टडीज अवेलेबल हैं। तो उसमें यही बताया जाता है कि जैसे स्टार्टिंग में बैक्टीरिया से ये सारी एग्जिस्टिंग, ये जो ह्यूमन बीइंग तक ये सारी इवोल्यूशन हुई और उसमें काफी इयर्स लगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये तो सारी फिजिकल यूनिट्स की
इवोल्यूशन की वो है, तो सेल्फ जो है, सेल्फ उस टाइम पे क्या, मतलब सेल्फ एग्जिस्टेंस में क्या कर रही थी, मतलब वो वेट कर रही थी कि ऐसे लिविंग क्रिएचर्स इस तरीके की इवोल्यूशन में, मतलब तब तक जब तक उनका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ था तब तक वो वेट कर रहे थे सेल्फ सारे इस एग्जिस्टेंस में। जी अगर उस फेज को भी देखें तो उसमें एक संभावना है कि सेल्फ थे परंतु सेल्फ के साथ कोएग्जिस्ट करने के लिए बॉडी नहीं थे, तो सेल्फ वहां फिर निर्णय लेगा कि मुझे अभी लंबे समय तक बॉडी का इंतजार करना है या कोई दूसरा प्रोग्राम बनाना है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई जब यहाँ पे पर्याप्त ऐसे शरीर होंगे जिनके साथ मैं कोएग्जिस्ट कर सकता हूँ तभी यहाँ पे आए, अदरवाइज स्पेस में कहीं और बने रह सकते हैं। दूसरी संभावना ये है कि जो फिजियोकेमिकल एटम्स हैं उसमें कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिससे वो कॉन्शस एटम बन जाए, यानी फिजिको केमिकल यूनिट कॉन्शस यूनिट बन जाए, इसकी संभावना है प्रकृति में। तो ये भी हो सकता है कि जब धरती पे इस तरह का इवोल्यूशन शुरू हुआ उस इवोल्यूशन के फेज में जब ऐसे शरीर की रचनाएं शुरू हो गई जिनमें ऐसी समृद्ध मेधव थी जिसको जिसके साथ कोई सेल्फ कोएग्जिस्ट कर सकता है, तो सहस्तित्वपूर्वक कोई फिजियोकेमिकल एटम ट्रांसफॉर्म होकर ये कॉन्शस एटम बन गया, एक कॉन्शस यूनिट बन गया और चलाने लगा। ये भी एक दूसरी संभावना है। जैसे पहले बताते हैं कि पहले सेल भी नहीं था, सिर्फ बैक्टीरिया था, फिर सेल आया, फिर उसके बाद ये एक स्पाइन जैसी कोई स्ट्रक्चर है, फिर ब्रेन बहुत आगे। इसमें कुछ भी रिवर्स नहीं है, इसको आप अभी भी देखिए है ना, तो जैसे पानी कहीं फैला हुआ बहुत समय से तो उसके ऊपर काई लग जाती है कि नहीं, तो अगर हवा इस तरह से है, उस हवा का जो कंपोजिशन इस तरह से है कि काई को सपोर्ट कर सकता है तो पानी के ऊपर काई लग जाती है, उसी काई को थोड़े दिन और छोड़ दीजिए तो थोड़ी और बड़ी रचनाएं दिखने लगती हैं। ठीक है, तो यही धरती पे पहले भी हुआ है। तो धरती पे पहले है ना किसी पॉइंट पर रस यानी कि पानी और इस तरह के रस आए, उसमें फिर प्राणावस्था की काइयां बनी, फिर उसमें ही रचनाएं सुरचित होती गई कि वो जीव शरीर का रूप ले लिया, फिर जीव शरीर से मानव शरीर का रूप ले लिया, और जीव शरीर का जब रूप लिया तो उसके साथ कोएग्जिस्ट करने के लिए सेल्फ तैयार हुए। सेल्फ या तो पहले से थे आके जुड़ गए या फिर जो मैंने बताया जो ट्रांसफॉर्मेशन है उससे सेल्फ तैयार हो गए, कोएग्जिस्ट करने लगे। ये क्वाइट पॉसिबल है। अभी भी आप बहुत सारे दूसरे ग्रहों पे देखिए तो जहाँ पे सिर्फ पदार्थ अवस्था है, कुछ ग्रहों पे पदार्थ अवस्था है परंतु उसमें रस की संभावना दिखाई दे रही है, जिसको लेकर इतना सारा एक्सप्लोरेशन चल रहा है कि क्या वहाँ पे एल्गी या बैक्टीरिया या इस तरह के इकाइयाँ हो सकती हैं क्या जिनमें रेस्पिरेशन हो, तो इसके लिए अभी शोध चल रहा है। वैसे मिल भी सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्लैनेट, मार्स से बता रहे जो संभावना है तो उससे लोग काफी पैसा समय लगा रहे हैं। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी इवोल्यूशन प्रोसेस में हुआ है जिस प्रकार से हुआ है वह अभी बना हुआ है, क्योंकि प्रकृति का नियम तो वही है, उसी नियम के तहत अभी पानी में काई लगता है, उसी नियम के तहत हमारे शरीर में पुष्टि होती है, उसी नियम के तहत पदार्थ अवस्था में रचना भी रचना होती है। तो सहस्तित्वपूर्वक हो रहा है, सहस्तित्वपूर्वक हो रहा है। जी जी और दूसरा एक क्वेश्चन है कि जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन और एक हम सिविलाइज्ड ह्यूमन, इसमें कुछ डिफरेंस है, क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट सिविलाइजेशंस डेवलप हुई, तो सिविलाइज्ड ह्यूमन और ह्यूमन में कुछ डिफरेंस है? ह्यूमन सिविलाइजेशन और मतलब ह्यूमन जैसे हम कह रहे हैं कि ज्ञान से वो अपने ज्ञान संस्कार से अपने को कम्प्लीटली मतलब कम्प्लीशन कर सकता है रियलाइजेशन की, तो जो सिविलाइजेशंस हम सुनते हैं उनका क्या रोल है सिविलाइजेशन का ह्यूमन सिस्टम में? सिविलाइजेशन का रोल ये होता है कि उसमें संबंध पूर्वक व्यवस्था पूर्वक अस्तित्व पूर्वक जीने का हमको अवसर मिलता है। जैसे अभी भी आप देखिए तो एक सभ्यता बनी हुई है, हम परिवार में रह रहे हैं, समाज में भागीदारी कर रहे हैं, हम उत्पादन कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं, न्याय के लिए काम कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हमको भागीदारी का फैल कर अवसर मिल रहा है। अगर हम अपने कमरे में बैठे रहें या एकांत में कहीं रहें हो सकता है ये अवसर ना मिले,
हम जिस प्रकार समाज में फैल के जी रहे हैं इससे अवसर मिल रहा है, इससे स्वयं के विकास के लिए भी अवसर मिल रहा है। जो हर बात हम लोग बात कह रहे हैं उस पर फिर से आएंगे कि एक छोर पर अनुभव के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे छोर पर हम फैल कर समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, तो यह अवसर हमें समाज से मिलता है, सभ्यता से मिलता है। सभ्यता बनती भी इसी रूप में है क्योंकि हम संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं। अब अलग अलग जगहों पर मनुष्य रहेंगे तो मनुष्य आपस में निर्णय लेते हैं क्यों ना साथ में रह लें, वो तो हम करते ही अभी भी कर रहे हैं। हम साथ रहने का निर्णय लेते हैं, हमको संबंध का भाव दिखता है तो अगला व्यक्ति कहीं दूर बैठा हो तो जाकर उससे बात करते ही ना, साथ रहने की योजना बनाते हैं। इसी रूप में सभ्यताएं विकसित हुई। और दूसरी तरफ से देखें तो शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए भी जरूरी है कि हम साथ मिलकर रहें। जैसे अगर बहुत पहले देखें तो पशुओं के भय से मनुष्य अपने लिए बहुत सारी योजनाएं बनाता था, तरीके निकालता था। अब अगर हम साथ साथ मिलकर रहते हैं तो पशुओं का भय कम हो जाता है, प्राकृतिक आपदा कोई हो गई उससे निपटने के तरीके तैयार हो जाते हैं। तो अभी देखें तो जिस तरह से इतिहास में कबीले हुए है ना, जैसे हमने जाकर सभ्यताएं बनाई और फिर इस तरह से रहना शुरू किया, उस पूरे प्रोसेस में देखें तो हम सुखपूर्वक जीना चाहते थे, उस क्रम में हम दुख से निकलना भी चाहते थे। क्योंकि सेल्फ है तो अगर समझ नहीं है तो दुख होगा, समझ होगी तभी सुख होगा। तो दुख से निकलने के क्रम में शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के क्रम में ये सभ्यताएं विकसित होती चली गई। ओके, मतलब बेसिक एस्पिरेशन वही थी, ये उसकी एक्सप्रेशन एक तरीके से बोल सकते है ना। अभी भी आप देखिए पिछले 50 सालों में सभ्यता कितनी बदली है। अभी एक सुबह हाथ में मोबाइल लेकर हम 300 लोग साथ बैठ के चर्चा कर लेते हैं कि नहीं हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमको ज्ञान की एक वरीयता बनी है। अभी ऑप्शन पहले अपने पास नहीं था, आज से 4 साल पहले ही ऑप्शन नहीं था कि हम इस तरह से कनेक्ट होते। तो हम जहाँ जितने लोगों के साथ जुड़ते थे, कल कोई ऑप्शन और एनरिच हो जाएगा, यानी इसमें और बैंडविड्थ आ गया, और लोग जुड़ सकते हैं। तो कहिए कि पूरी धरती के लोग सुबह 6 बजे कनेक्ट हो जा रहे हैं कि नहीं, कोई रात को कनेक्ट हो रहा है, कोई सुबह कनेक्ट हो रहा है, ये भी पॉसिबल है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम मानव सभ्यता की ओर विकास कर रहे हैं। अब इसका मिसयूज ही हो सकता है कि सुबह से उठकर है ना आतंकवादी योजना बनाई जाए, तो उसका मिसयूज ही हो सकता है। तो इस रूप में हम साथ में जुड़ते हैं और निर्वाह करते हैं। समझ केंद्र में है तो एक तरह से निर्वाह करते हैं, समझ का भाव दूसरे तरह से निर्वाह करते हैं। बट मानव के साथ सुखपूर्वक जीना ही चाहता है, इसलिए जो भी अवसर उपलब्ध होता है उसका सदुपयोग करता है। उसी क्रम में प्रकृति की इकाइयों का सदुपयोग भी करता है, नहीं समझ में आता है तो दुरुपयोग करता है। ठीक है, बढ़िया दीदी। सुमानी भैया का एक प्रश्न है कि धरती का इवोल्यूशन हुआ, अस्तित्व था, है और रहेगा, ओनली देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन। जी भैया, तो दोनों ही बात एक साथ है। तो अस्तित्व था, है और रहेगा, परंतु उसमें रचना विरचना तो हो रही है प्रकृति इकाइयों में। जैसे अगर हम देखें तो कुछ ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे अभी पेड़ पौधे पशु पक्षी मानव नहीं दिखाई दे रहे, परंतु वहाँ रचना विरचना तो चल रही है। उसी रचना विरचना के क्रम में कुछ ऐसी रचनाएं तैयार हो सकती है जिससे प्राणावस्था तैयार हो जाए उस धरती पे, फिर क्रमशः दूसरी अवस्थाएं भी तैयार होने लगे, जीव अवस्था फिर ज्ञान अवस्था। तो ये काम धरती पे भी हुआ है। तो अस्तित्व तो हमेशा से था, है और रहेगा, परंतु रचना विरचना के क्रम में ये जो अवस्थाएं हैं ये तैयार होती रहती हैं या मिटती रहती हैं। तो ये हो सकता है, जैसे आज मतलब अभी देखें तो चारों अवस्थाएं धरती पे दिखाई दे रही हैं। अब किसी कारण से ऐसा हो कि आज से कुछ सालों बाद कोई बड़ा सा एस्ट्रॉयड आके धरती से टकरा जाए, हो सकता है बाकी तीनों अवस्थाएं ना बचे, है ना, ये आग का गोला बन जाए ना बचे, या इतना जोर से विध्वंस हो जाए कि धरती की सतह पे जो कुछ है धरती के भीतर चला जाए, ये सब ना बचे, बिल्कुल पॉसिबल है। बट अल्टीमेटली फिर भी अस्तित्व बना ही रहेगा और यही पहले से भी हो रहा है। बट इसमें रचना विरचना के क्रम में जो कुछ घटित हो रहा है उसको इवोल्यूशन कह रहे हैं। उसी क्रम में अलग अलग अवस्थाएं आती हैं और मिटती भी हैं, ये भी हुआ है। जैसे एक समय जो अभी अवशेष मिल रहे से पता चलता है कि कुछ ऐसे जीव थे जिनको डायनासोर कहते हैं, बट एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड आया टकराया और सारे डायनासोर समाप्त हो गए, फिर एक नए तरीके से रचनाएं शुरू हुई, फिर उसके बाद अभी यहाँ पहुंच गए हम लोग। तो ये हो सकता है बिल्कुल, और हो ही रहा है धरती पे। हाँ, अभी अभी भैया आपने बोला कि एक बड़ा सा एक गोला आया आग का और वो सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जो हम लोगों को पढ़ाया गया है या हम लोगों ने पढ़ाया है वो डायनासोर बिना मतलब खाने के अभाव में वो लुप्त हुए हैं,
तो ये क्या ऐसा मतलब ये साइकिल है कि चलता रहता है कि जैसे मनुष्य अभी एग्जिस्टेंस में है और इनके लिए भी कुछ खाने की कमी या कुछ और चीजें हो गया, बड़ा घोड़ा टकरा गया, फिर दोबारा से ये आप कुछ सालों के बाद या लाखों सालों के बाद फिर दोबारा से जनरेशन, जैसा कि आप कह रहे कि तो मिटता नहीं है अवशेष, जो मतलब मिटता नहीं है, जो हमारा आई है शरीर मिट जाता है, लेकिन क्या दोबारा से फिर ये रीजनरेट हो सकता है? ऐसा कुछ साइकिल चलता रहता है क्या? साइकिल ना भी हो है ना, पर ये पॉसिबिलिटीज हैं। डायनासोर के संबंध में भी जो अभी जितनी भी संभावनाओं का आकलन किया गया है उसमें सबसे बड़ी संभावना तो एस्ट्रॉयड के टकराने की लगती है, जी और उसके पहले का ये है कि डायनासोर कई साइज के होते थे, तो जी वो साइज जो अपने शरीर को ठीक से मैनेज कर पा रहा था वो सस्टेन कर गया है ना। जो बहुत बड़ा आकार था उसके लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था नहीं थी, या दूसरे डायनासोर से युद्ध लड़ाई करते समय अपने को बचाने की संभावना नहीं थी, शरीर बिल्कुल डल हो जाता सो था, जो दौड़ जो नहीं जी पाते थे तो वो नहीं बच पाए। और ये जी अभी भी, अभी देखिए ना, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चलता है, हर हफ्ते तो आता है कि वो एटम बम पे उंगली दबाने को तैयार बैठा है, कोई जी कहता है मैं न्यूक्लियर बम पे उंगली दबाने को तैयार बैठा हूँ। अब उसका इतना बड़ा विस्फोट हो जाए है ना, और वो ऐसा घातक विस्फोट हो जाए, अभी तो ये खाली न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही है, जेनेटिक जी वेपन ये लोग तैयार करके बैठे हैं। जेनेटिक हाइड्रोजन, वेपन ये होता है जेनेटिक कि होता है कि और कई प्रजातियां इलेक्ट्रॉनिक। समाप्त हो जाए है ना, तो ऐसे टिड्डे कीड़े मकोड़े जो आज के दिन फसल के उत्पादन में काम आते हैं उन सबको नष्ट कर दिया हमने जेनेटिक वेपन से, तो खाने का भाव हो जाएगा कि नहीं। अभी देखिए पाकिस्तान में खाने का भाव हो ही गया, लोग खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे धरती कई हिस्सों पर हो सकता है। तो ये सारा कुछ तो अमानवीयता से हो ही सकता है, एक कारण से अमानवीयता है। दूसरा है कोई प्राकृतिक घटना भी ऐसी हो सकती है कि धरती पे अभाव हो जाए, ऐसी घटना हो सकती है। कहीं पे मान लीजिए वॉल्केनो इरप्ट कर गया, अंदर से ज्वालामुखी इरप्ट कर गया, तो वो लावा जो जितने दूर में फैलेगा वहां तो वनस्पति बचेगी नहीं ना, नष्ट नष्ट हो जाएगा सब कुछ। हो जाएगा। तो प्रकृति जी में रचना विरचना तो हो ही रही है, हमें उसको समझना होता है, उसके अनुसार जीने की योजना बनानी होती है। भैया, ये जिज्ञासा हो रही है कि ये सेल्फ और बॉडी को चयन करता है, उसके साथ को एग्जिस्टेंस में रहता है। तो अभी बात हो रही है कि यदि इससे कुछ एस्ट्रॉयड टकराए और इसका विनाश भी हो जाए तो भी सेल्फ बना रहेगा ब्रह्मांड में। तो ये सेल्फ का, जैसे बॉडी की रचना होती है, सेल्फ की कभी शुरुआत हुई है रचना की, या ये कैसे है, इसकी स्पष्टता नहीं हो पा रही है, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दिया जाता कि सेल्फ जी, का इसको कब मैंने अभी से। रिस्पॉन्ड भी किया, इसको हमने रिस्पॉन्ड भी किया, बट ये आप थोड़ा इस पे भी ध्यान दें कि स्पष्टता कैसे होगी, किस विधि से होगी, किस अच्छा विधि से होगी। अगर हम इसको देखें अपने आप में तो या तो हमें पूरा ट्रेस करते हुए दिखाई दे जाए कि हम आज से 100 साल पहले किस रूप में थे, कैसे थे, उससे और पहले कैसे थे, और पहले कैसे थे। एक संभावना तो ये, ट्रेस करते करते हम लाखों साल पहले चले जाएं, ये भी एक संभावना है। दूसरी संभावना है कि हम इसकी रचना को समझ लें, किस प्रकार से रचना बनी हुई है। तो हमको दिखता है कि जो सेल्फ है उसमें टूट फूट नहीं होती, ना जुड़ता है ना टूटता है, जी इसका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो एज इट इज बना रहता है, बट ये जो जड़ इकाइयां हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन बदलता रहता है। तो प्रकृति सहज विधि से ऐसी संभावना है कि कोई ऐसा जो फिजियोकेमिकल एटम है, यूनिट है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए कफ और एक सेल्फ जैसा एक यूनिट तैयार हो जाए, ये संभावना पूरी है। दूसरा है कि अगर हम अपने ऊपर भी सोचे कि जैसे मान लीजिए हम अभी हैं शरीर के साथ कहीं पर और जी रहने की अनुकूलता नहीं है, हवा खराब हो गया है, सांस लेने से बीमारी होती है, तो हम क्या करते हैं, वहां से कहीं चले जाते हैं, कहीं जी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे हवा अच्छी मिले, पानी अच्छा मिले, खाने को मिले, है ना, वहां चले जाते हैं। अब मुझे अगर शरीर भी ना मिले तो हम क्या करेंगे, किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ शरीर मिलने की संभावना। तो ऐसा हो सकता है कि पहले यहाँ पे शरीर नहीं उपलब्ध थे तो सेल्फ यहाँ नहीं जुड़ पा रहे थे, जब शरीर उपलब्ध हुए तो ब्रह्मांड में से सेल्फ आए और एसोसिएट हो गए, क्वाइट पॉसिबल है। तो इस सारी सारी संभावनाएं हो सकती हैं, इन सबको हम देख सकते हैं। जी भैया, स्पष्ट जी जी, आभार भैया, प्रणाम। बढ़िया भैया, अभी जो बात हो रही थी ना कि सेल्फ का कॉन्स्टिट्यूशन बदलता नहीं है, लेकिन जब हम इच्छा विचार आशा करते हैं ना,
तो उसमें बदल तो होता ही होगा ना, क्योंकि इच्छा विचार आशा का कैसा है कि मतलब हम कहते हैं कि एक्टिविटी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है जी, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का मतलब कि एक्सपेक्टेशन आके जुड़ गया कहीं बाहर से, एक्सपेक्टेशन टूट के बाहर निकल गया, ये सब तो नहीं होता ना। हाँ, वो तो नहीं होता, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि मतलब चलना फिरना ये तो एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी है, और इच्छा विचार आशा ये सेल्फ की एक्टिविटी है, लेकिन इन दोनों की एक्टिविटी में ये फर्क है कि बॉडी का जो चलना फिरना है उसका हमें वैसे तो उसमें मेमोरी नहीं रहता बॉडी में, लेकिन जो इच्छा विचार आशा हम जो एक्टिविटी करते हैं सेल्फ की, तो वो उसकी मेमोरी सेल्फ में रहती है। तो ये दो मतलब अलग अलग है ना, मतलब तो इस तरह से देखे तो सेल्फ का कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है ऐसा हम कह सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, आपकी कल्पनाशीलता की वस्तु बदल रही है। जैसे इस प्रश्न को पर पूछने से पहले आपकी कल्पनाशीलता की स्थिति थी, अगर इस प्रश्न का आपको इस प्रकार से उत्तर मिल जाता है तो आपकी कल्पनाशीलता की स्थिति बदल जाती है। अब उस क्लैरिटी के साथ आप विचार करते हैं आगे, पहले वो क्लैरिटी के कमी के साथ विचार कर रहे थे, तो क्या हुआ अल्टीमेटली? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला, कल्पनाशीलता की स्थिति बदल गई। हम बचपन से देखे तो अभी तक हमारी कल्पनाशीलता की स्थिति बदलती जा रही है। पहले हमको चॉकलेट और मिठाइयाँ और है ना खिलौने अच्छे लगते थे, उसके बाद कुछ और अच्छे लग गए, फिर कुछ और अच्छे लग गए, पेरेंट्स बन गए तो बच्चों को उपलब्ध कराना अच्छा लग रहा है। तो अल्टीमेटली मेरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल रहा, मेरे एक्टिविटीज में जो कंटेंट है वो बदल रहा है कि नहीं? जी, अभी हम ये जो स्वभाव बोध और स्वभाव धर्म परम धर्म इसको लेकर थोड़ी और बात कर लेते। ये मतलब जो वोल्केनो टकरा सकते हैं उससे ये मतलब धरती नष्ट हो सकती है, इससे मेरा प्रश्न था कि तो ये तो नियम नियंत्रण से नहीं है क्या? मतलब क्या कभी ऐसा हो भी सकता है? ये तो सभी नियम से नहीं चल रहे क्या? तीनों ना जैसे धरती के अंदर अभी बहुत सारा ताप बना हुआ है, तो धरती का ताप पहले अधिक रहा होगा, अब वो सतह पे तो कम हो गया ताप, धरती के अंदर बहुत सारा ताप बना हुआ है, ठीक है ना, और बहुत सारे चट्टान बने हुए हैं जो आपस में कभी भी टकरा सकते हैं, उनके टकराहट से वोल्केनो इरप्ट हो जाता है, जो प्लेट्स होते हैं धरती के अंदर बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स और ऐसी चीजें बनी हुई है, उनके उसमें जो परिवर्तन होता है उससे कई बार जो ताप है वो बाहर आ जाता है, ये घटना तो हो ही सकती है, मगर होता जो भी है वो नियम पूर्वक होता है। अगर इन सब घटनाओं में देखें तो पहचानना है, निर्वाह करना है, तो जो स्थिति है उसके अनुसार पहचानना निर्वाह करना हो रहा है। हमारी भागीदारी ये है कि हम इन सबके साथ संबंध को देख पाए और उसके अनुसार सुखपूर्वक जीने की योजना बना पाए। नहीं तो मतलब ये स्थिति तक भी हो सकता है कि पूरा ये ब्रह्मांड खत्म हो जाए? खत्म नहीं हुआ, रचना विरचना होती रहेगी, अभी भी हो रही है, आगे भी होगी। ठीक है भैया, ठीक है जी, तो रचना विरचना ही हो रही है। अभी देखिए धरती की रचना आज से 1,00,000 वर्ष पहले कुछ और प्रकार से थी, अभी कुछ और प्रकार से है, अभी देखिए कितना परिवर्तन हो गया। अभी पहाड़ जो है उनकी ऊंचाई कई जगहों पे कम होती जा रही है, हमने जंगल मिटाते जा रहे हैं। अभी कल ही न्यूज था कि अमेरिका में जंगलों में, अमेरिका या किसी कनाडा में जंगल में इतना आग लगा दिया कि पूरा आसमान ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा था। तो क्या हो रहा है अल्टीमेटली? धरती की सतह पे जो रचनाएं बनी हुई है उसमें इतना सारा परिवर्तन तो हो ही रहा है। तो हमें ये प्रकृति की व्यवस्था जब समझ में आती है तो सारी घटनाएं भी समझ में आती है, हमारे लिए कुछ भी रहस्य नहीं रहता, चाहे अतीत में कुछ हुआ हो तब भी, वर्तमान में हो रहा है वो भी, और जो भविष्य में होने वाला वो भी, इसमें कुछ भी रहस्य नहीं है। जो हो रहा है वो संबंध पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक, अस्तित्व पूर्वक हो रहा है, अपने को दिखाई देता है। इस पूरी आश्वस्ति के साथ जो मेरे अंदर इच्छा बनती है वो निश्चित बनी रहती है। तो मेरे अंदर कभी ये इच्छा नहीं होती कि मेरा शरीर निरंतर बना रहे, है ना, और मेरे अंदर कभी ये इच्छा नहीं होती कि मैं समाप्त हो जाऊं। मुझे पता है कि मैं निरंतर हूँ, शरीर सामयिक हूँ, इसी के साथ ही मेरे अंदर इच्छा बनती है, उससे मुझे संतोष मिलता है। भैया आज जैसे व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी की बात हो रही थी, तो व्यवस्था में भागीदारी के लिए सेल्फ में या मेरे अंदर
जो 30 मूल्य हैं उनकी बात है, तो अब ये 30 मूल्य जो हैं और जो व्यवस्था में भागीदारी है, अब इसको कैसे रिलेट करें? बेसिकली मैं जानना चाहता हूं कि व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए करना क्या होगा? भागीदारी को देखना होगा। ये 30 अच्छा। मूल्य है वो हर एक स्तर पर भागीदारी के ही रूप में है। जैसे अगर हम सुख शांति संतोष आनंद को देखें तो स्वयं में मूल्य है, यानी मेरी क्रियाओं की मेरी व्यवस्था में क्या भागीदारी है, मेरे निरंतर सुख समृद्धि के भाव में क्या भागीदारी है मेरी क्रियाओं की, वही सुख शांति संतोष आनंद के रूप में दिखाई देता है। अगर मानव मानव संबंध में बात करें तो विश्वास लेकर प्रेम के रूप में भाव दिखाई देते हैं, तो कुछ भाव जो हमारे अंदर स्थापित होते हैं और फिर उसी के अनुसार वो भाव शिष्टता में आते हैं, तो उनको शिष्ट मूल्य कह दिया। फिर मैं प्रकृति के अन्य इकाइयों से जुड़ के जब जीता हूँ तो वहां भी कुछ भाव होते हैं, उपयोगिता मूल्य कला मूल्य कह दिया। एक मानव के रूप में आचरण करता हूँ, वीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, ये भी अगर देखें तो क्या ये भागीदारी है? ये सारा मेरे चिंतन में आता है। जी ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा एक भैया एक और ले लें, मतलब ये है कि शुरू से मैं इस कंटेंट को इस तरह से देख रहा था, हमेशा इस पे मैं मतलब शंका करते हुए ही चला हूँ, वो इस उद्देश्य से कि कहीं ये भी कोई मान्यता ना हो, लेकिन अभी ऐसा करते करते अभी ऐसा दिखता है कि अपने अंदर जो है थोड़ा सा सुख शांति जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ती हुई दिखती है, तो क्या ये प्रूफ है कि ये मतलब सही है, मतलब एक शंका का समाधान है ये? देखिए इसमें ये एक प्रभाव भी हो सकता है सामयिक रूप से। अच्छा, तो सारा बात इस बात पर निर्भर करता है, मतलब उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती है कि आप जांच पा रहे हैं कि नहीं स्वयं में, उसको जी कर देख पा रहे हैं कि नहीं। अगर जांचने के आधार पर ये उपलब्धि हो रही तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेयरली मानने से हो रहा है, जैसे बीती बातें हुई है ना, और हमने कुछ मान लिया प्रकृति के बारे में, मान लिया मानव के बारे में, तो भी हमारे अंदर जो उथल पुथल है कल्पनाशीलता में कम हो जाएगा, बट वो मानने के स्तर पे है। अगर हमने जांच लिया है तो आप पाएंगे वहां फिर मेरी निर्भरता नहीं रहती। एक बार हमको जांच में दिख जाए फिर अगला व्यक्ति माने ना माने, अगला व्यक्ति यही बात कर रहा है इसे बदल कर कह रहा है, उससे मैं प्रभावित नहीं होता। तो यानी भैया तो मेरा अपना कार्यक्रम हो जाता है। अभी क्या हो सकता है कि इस कार्यक्रम के प्रभाव में अभी हम सुख की ओर बढ़ रहे हैं, हमको लग रहा है हाँ कुछ लाइक माइंडेड लोग हैं जिनके साथ मैं कुछ लाइक माइंडेड बातें कर पा रहा हूँ, है ना, कुछ सिमिलर बातें कर पा रहा हूँ, कोई डिस्कशन हो पा रहा है, उसका एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तृप्ति मिल रही है, तृप्ति है ना, तो ये एक संभावना हो सकती है। परंतु ये भी एक संभावना है कि मुझे दिख रहा है, जिस क्षण मुझे दिखने लगता है उस क्षण मेरी बाहर की ओर कोई भी निर्भरता नहीं जाती, अगले को दिखाई दे रहा है तो भी, नहीं दिखाई दे रहा तो भी, मुझे तो दिख रहा है, तो उस समय जो मेरे अंदर आश्वस्ति होती है, जो तृप्ति होती है, वो निरंतर बना रहता है। बोध का मतलब है कि स्वयं में व्यवस्था का दिख जाना। तो प्रकृति की सारी इकाइयों को देखें तो चार अवस्थाओं के रूप में है, और इन में से हर एक अवस्था की एक निश्चित स्वयं में व्यवस्था है, धारणा है, जिसको धर्म भी कहते हैं, जिसको बोध हो सकता है, जिसको मैं देख सकता हूँ। तो जब मैं इसको देख पाता हूँ तो मेरी जो स्थिति बनती है उसको आनंद कहा। क्षण मुझे दिखता है कि हर इकाई व्यवस्थित है ना, मैं नहीं देख पा रहा था। आपको एक उपलब्धि के रूप में दिखाई देगा कि जहां हम अभी अपने आप में जब भी विचार करते थे तो लोगों को ठीक करना है, समाज को ठीक करना है ना, इसको ठीक करना है, उसको ठीक करना है, ऐसा विचार करते थे और लग रहा बहुत बोझिल होते जा रहे थे, अपने आप में थकते जा रहे थे ना, कि एक दो लोग तो साथ में जी नहीं पा रहे ठीक से, हम कह रहे अखंड समाज, अब कितना काम करना होगा, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, इसके लिए कितना कुछ गंवाना पड़ेगा, अभी हम कई बार ऐसे सोचते हैं। बट यदि हमको दिखाई दे कि प्रकृति की बनावट ही ऐसी है, हर मानव की सहस्कृति ही ऐसी है, मैं नहीं देख पाता हूँ तो मैं परेशान होता हूँ, अगला नहीं देख पाता तो अगला परेशान होता है, हमको दिखाई देता है कि प्रकृति में व्यवस्था पहले से ही बनी हुई है, मुझे बस उसका अलाइन होना है, उसको देख लेना है, तो मैं अपने आप में आराम पाता हूँ, दूसरा देखेगा उसको भी आराम मिलेगा, और जब मुझे दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, दूसरे को देखने में सहयोग करूंगा, और यही निरंतरता कार्यक्रम है। ये सारी बात जब मुझे स्पष्ट होती है तो इसका मुझे आनंद मिलता है, जब मुझे व्यवस्था ठीक ठीक स्पष्ट होती है उससे मेरी कल्पनाशीलता संपूर्णता के अर्थ में निश्चित होने लगती है कि अच्छा ऐसा ही है, बस ये देखा नहीं था मैंने, ऐसा ही है ना,
कुछ चीज आपको लगेगी कि अनुमान रूप में पहले से ही थी मेरे अंदर, आप उसको देख लिया। तो इनफैक्ट होता क्या है कि बहुत सारी चीजें हमारे रूप और गुण के स्तर पे तो देखकर पहले से अनुमान में रहती हैं कि हाँ भाई पेड़ पौधे और हवा का कुछ संबंध तो होगा, हवा सोखता है या फिर उसका पुष्ट होता है, फिर हवा छोड़ता है, फिर ऐसा होता है, उस हवा को मैं लेता हूँ उससे मेरा शरीर पुष्ट होता है, तो कुछ है जो व्यवस्था बनी हुई है। उसको कई बार हम रूप और गुण के स्तर पर अप्रिशिएट भी करते हैं, कोर्सेज पढ़ाते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस के कोर्सेज पढ़ाते हैं, ह्यूमैनिटी के कोर्सेज पढ़ाते हैं, उसमें कई सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। बट वो क्या है, रूप और गुण के स्तर पर है, जब वो जैसा है वैसा दिखता है तब आश्वस्ति होती है, क्योंकि रूप और गुण के स्तर पर जो देख रहे हैं कल को बदल जाए, जैसे यही जो बात होती है कि कल को वोल्केनो आ जाए और ये चीजें बिगड़ जाए तो हमारी आश्वस्ति चली जाती है कि काहे को नेचर व्यवस्था है बताओ, तो है ना, इतने अच्छे पक्षी चहचहा रहे थे और ऐसा तूफान आया कि ये मर गए, तो इतने पौधे आए उखड़ गए जड़ से, वोल्केनो आया पूरा है ना मिट ही गया, वनस्पति ही मिट गई यहाँ से, तो हमारे में शंका भी हो जाती है। परंतु जब हमें अवस्था का स्वयं व्यवस्था का बोध होता है तो सब शंकाएं भी नहीं रहती, हमको दिख रहा है कि हाँ जो कुछ हो रहा है इसके साथ ही हो रहा है, तो उसका मुझे जो अपने अंदर स्थिति बनता है वो आनंद की स्थिति है कि नहीं। और इस प्रकार से मैं हर अवस्था की स्वयं व्यवस्था के बने रहने के अर्थ में भागीदार हो जाता हूँ। भैया अभी अभी एक थोड़ा समय, मतलब हो सकता है मैंने गलत सुना हो, आपने ये बताया कि प्रकृति की व्यवस्था की भागीदारी में हमारा सेल्फ ये इच्छा कर लेता है कि ये शरीर निरंतर ना रहे। गलत हो गया, रुक जा, रुक, शरीर निरंतर ना रहे ऐसा नहीं, हमको हाँ, दिखता हाँ, है कि शरीर निरंतर नहीं रहेगा, शरीर रूप में नहीं रहेगा, शरीर का हर परमाणु बना रहेगा, उसका अस्तित्व बना रहेगा, बट ये शरीर रूप में जो कार्य कर रहा है ये निरंतर नहीं करेगा, ये हमको दिख जाता है। और ये अभी तो हमको सूचना के रूप में अभी भी है, बट हमको व्यवस्था के रूप में दिख जाता है कि यही व्यवस्था है प्रकृति की, यही शरीर की व्यवस्था है। नहीं वो बराबर है, लेकिन हम जो इच्छा के स्तर पर अगर सोचने लगेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मेरे सेल्फ में, कि ये मेरा शरीर हमेशा रहे, ऐसा ही लगता है शायद ये मेरा। कहानी बता देते है ना, हाँ कहानी है, उसको कहानी रूप में ही ले हम। अच्छा, एक व्यक्ति को किसी ने कह दिया कि इस पहाड़ के दूसरी तरफ एक झरना बहता है, जी झरना का पानी पीने से तुम अमर हो जाओगे, मतलब शरीर हमेशा बना रहेगा, ऐसा हम लोग के परंपरा में बहुत सारी कहानियां चलती हैं। या 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 100 साल के ऊपर अमृत पी लोगे तो शरीर है ना हमेशा बना रहेगा, एंड सो ऑन। जी जी, बहुत बहुत सही पॉइंट है, डिस्कस कर रहे हैं। अमृत धारा बहती है और वो पानी पी लोगे तो तुम्हारा शरीर अमर हो जाएगा, कभी नहीं मरेगा। बहुत खुश हुआ है ना, पूरे एक्साइटमेंट में दौड़ता भागता हाँफता पहुंचा वहां पे, तो आज जब पहुंचा तो देखा कि एक तोता जो है वो पड़ा हुआ है उस किनारे। पूछा भाई तुम इतने छत विछत ढंग से क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो कह रहा है मैंने गलती से इसका पानी पी लिया, अब शरीर की तो अपनी रचना है, टूट फूट हो रही है, बट मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि पता चला है कि हमेशा बना रहेगा। तो ये तो बहुत बड़ा सजा हो गया। ये नहीं भैया, अभी हम जो डिस्कशन में कर रहे हैं ना, मतलब शरीर हमेशा बना रहे इसकी आवश्यकता नहीं है, शरीर की व्यवस्था के अनुसार जब तक बना हुआ है तब तक हम इसका ठीक सदुपयोग करें ताकि ज्ञान समाधान उपलब्ध हो जाए। लेकिन साथ में भैया हमारे सेल्फ को या हर एक मैं पर्सन को बोलता हूँ या जो जिसमें भी जीव है वो ये सोचता ही है ना भैया कि मेरा शरीर निरंतर रहे, मुझे अभी तो ऐसा कभी नहीं लगेगा कि मेरा शरीर चला जाए। अब वही यही असंतोष की स्थिति है, जब हमको दिखता है कि शरीर की एक निश्चित व्यवस्था है। जी भैया, बिल्कुल, मेरी एक निश्चित भागीदारी है। हाँ, तो हाँ, मेरी इच्छा इसके अनुरूप ही होती है, इसके अन्यथा नहीं होती। अभी ये मतलब बता रहे हैं, हम ठीक है, बोलिए भैया, मतलब मेरा इतना लास्ट रखता हूँ कि जब हम 90 अबो हो जाएंगे या वो स्टेज में आएंगे उस वक्त हमको जरूर हमारी इच्छा रहेगी कि हमारा शरीर अब ना रहे, ये बराबर है भैया? अभी भी हमको दिखता है कि एक उम्र के बाद शरीर बना रहे और शरीर टूट फूट होता रहे, अंग काम ना करे, शिथिल पड़ते जाए और फिर भी हम शरीर को छोड़ ना पाए, ये कौन सी अच्छी बात है। अभी आप उनसे पूछिए जो बेड रिडन है 5-5, 10-10 साल से। करेक्ट करेक्ट, बस दिस वाज द पॉइंट। यस जी जी भैया, नमस्ते। हां नमस्ते भैया, आई थिंक मेरा समझ में आया। अभी विदेशों में रिसर्च हो रहा है कि लगभग हर अंग को ट्रांसप्लांट करा लीजिए, ठीक है ना, और ताकि आप हमेशा मतलब बहुत लंबे समय तक जी पाए, 125 साल, 150 साल, इसलिए रिसर्च हो रहा है।
क्योंकि ट्रांसप्लांट करते करते ये लोग धीरे धीरे हर तरह के अंग को ट्रांसप्लांट करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जी 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 धन्यवाद भैया, बहुत इंटरेस्टिंग। शरीर ये जो अपनी आयु है ना 70 साल 80 साल 90 साल, ये अपनी व्यवस्था के अनुसार जब तक बना हुआ है उसका सदुपयोग ठीक से करें। अभी 90 तो मान के चल रहे हैं, अभी हम 57-58 पे है। जी भैया नमस्ते, नमस्ते, धन्यवाद सभी को। शुभकामना है, बिल्कुल आप 100 साल तक एक्टिव रहे है ना, और खूब काम करें धरती के लिए। बढ़िया, यूएचवी के साथ रहेंगे तो वो तो बिल्कुल संभावना बनी है भैया 100 तक के। जी भैया नमस्ते, नमस्ते सभी को। अनुभव की क्रिया को देखें तो अस्तित्व का सहअस्तित्व के रूप में दिख जाना ये अनुभव है। तो ये जो चारों अवस्थाएं हैं प्रकृति के रूप में, ये शून्य बने रहते हुए ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, और ये शून्य बने रहते हुए हो रहा है। वही मैं जब अपने बारे में देखता हूँ इसको तो मुझे दिखता है कि मैं चैतन्य इकाई हूँ जो शून्य में बना हुआ, शून्य में बने रहते हुए मैं ऊर्जित हूँ। मेरे अंदर क्रियाएं हो रही है, इच्छा है, विचार है, आशा है, इन सब में ऊर्जा है, ऊर्जित हूँ मैं, हर क्षण ऊर्जित हूँ और निरंतर ऊर्जित हूँ। इसमें बने रहते हुए मैं नियंत्रित भी हूँ, शून्य में बने रहते हुए नियंत्रित हूँ। मेरे अंदर जैसे ही कोई अन्यथा भाव आता है, ये जो गलत मान्यता से मेरे अंदर कोई भाव विचार तैयार होता है, मैं उसकी क्षण रेस्टलेस हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। और जिस क्षण मैं इस प्रकृति की व्यवस्था के साथ अलाइन होता हूँ उस क्षण मुझे सुख मिलता है, इस प्रकार से मैं नियंत्रित हूँ। अब हम इस बात को इस रूप में नहीं देख पाते, ये अस्तित्व में नियंत्रण पहले से उपलब्ध है, उसी के आधार पर मैं नियंत्रित हूँ। जिसको सहस्वीकृति कह रहे हैं, क्या जैसे मैं अपनी सहस्वीकृति से हटता हूँ मैं दुखी हो जाता हूँ, उसके अनुसार जीता हूँ मैं सुखी रहता हूँ, तो मैं नियंत्रित हूँ है ना, शून्य में बने रहते हुए। और मैं अपनी परस्परता को पहचान रहा हूँ, निर्वाह कर रहा हूँ। ये पहचाना, निर्वाह करना, परस्परता कैसे हो रहा है, मेरे और शरीर के बीच भी शून्य है ना, उस शून्य के माध्यम से पहचान रहा हूँ, निर्वाह कर रहा हूँ। उसी शून्य के माध्यम से धरती के दूसरे मनुष्यों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, चींटी, कीट, पतंग, हवा, पानी, पेड़ पौधे, इन सबके साथ संबंध को पहचान रहा हूँ, निर्वाह कर पा रहा हूँ है ना। कैसे हो रहा है, शून्य के माध्यम से। जब मैं इसको देखता हूँ तो मेरे अंदर जो स्थिति बनती है वो परमानंद की स्थिति बनती है। अस्तित्व सहअस्तित्व रूप में बना हुआ है, हमेशा से था है और रहेगा, ये मुझे दिखाई देता है। और फिर मैं उसको जीने में प्रमाणित करता हूँ, यानी जब भी मुझे दिखाई दे जाता है उसके बाद जो भी मेरे अंदर क्रियाएं हो रही हैं वो सब उसी के आधार पर चलनी शुरू होती है। अभी उसके अभाव में चल रही थी तो कहीं ना कहीं कुछ शेष था, अब क्रियाओं में पूर्णता हो गई, उसका पहला प्रमाण मुझे स्वयं में मिलता है, क्रियाओं में पूर्णता हो गई। फिर मैं जब जीता हूँ तो आचरण में मिलता है, यही चीज मुझे स्वयं में दिखाई देता है। तो चिंतन में स्वभाव दिखाई देता है, क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप या नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक या पार्टिसिपेशन लार्जर ऑर्डर, कोई भी नाम दे, अल्टीमेटली मुझे भागीदारी दिखाई देती है चिंतन में। बोध में धारणा या धर्म या स्वयं में व्यवस्था दिखाई देती है। अनुभव में सहस्तित्व दिखाई देता है, संपृक्तता दिखाई देती है। किस प्रकार शून्य में हर इकाई संपृक्त है, शून्य में बने रहते हुए ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। जब मुझे दिखाई देता है तो मैं समग्र अस्तित्व के साथ अपने को जुड़ा हुआ देख पाता हूँ, है ना। तो मैं अपने आप को बिल्कुल फैला हुआ पाता हूँ कि मैं पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अस्तित्व की हर इकाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ शून्य के माध्यम से। तो मैं तो हूँ इकाई, बट मुझे अपना अस्तित्व इस पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये जो मेरे अंदर भाव बनता है उसको परमानंद कहा। जब ये घटना मेरे अंदर होती है, ये क्रियाएं मेरे अंदर घटित होती हैं, पूर्ण होती हैं, तो जो विचार होता है अब वो नियंत्रित होता है। तो जो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अभी जो विचार हमारे अंदर चल रहा है उसमें जो तुलन की क्रिया है वो अनियंत्रित है, प्रिय हित और लाभ के अर्थ में। अभी हमको सहअस्तित्व दिख गया तो मैं प्रिय हित लाभ के अर्थ में क्यों विचार करूंगा, कर ही नहीं सकता, ऐसा विचार ही नहीं आया कि इसके अर्थ में विचार करूं मैं, तो विचार में मुझे शांति मिलती है इसकी। तो सहअस्तित्व है ना के अनुभव के साथ, व्यवस्था के बोध के साथ, संबंध के चिंतन के साथ ही अब मेरे अंदर तुलन की क्रिया होती है। तो प्रिय अब नियंत्रित हो जाता है, हित नियंत्रित हो जाता है, लाभ की दृष्टि नियंत्रित हो जाती है। किस रूप में, भागीदारी के अर्थ में।
तो शरीर से कोई संवेदना में ले रहा हूँ, इसका मैं आकलन करता हूँ कि शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में है कि नहीं, शरीर का मैं संरक्षण कर रहा हूँ, पोषण कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में है कि नहीं। जो मैं सुविधा का लेन देन कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि उभय समृद्धि उभय सुख के अर्थ में है कि नहीं। मुझे दिखता है कि मेरे सुख का स्रोत तो भीतर है, मुझे सुख के लिए बाहर भागना ही नहीं है, ना किसी सुविधा पर डिपेंड नहीं करना, किसी अन्य मनुष्य पर डिपेंड नहीं करना, मैं अपने आप में ही परमानंद की स्थिति में हूँ, आनंद की स्थिति में हूँ, संतोष की स्थिति में हूँ। उसके साथ जब भी मैं भागीदारी करता हूँ, इसलिए जो भी विचार करता हूँ उसके साथ ही करता हूँ, तो अनियंत्रित नहीं रहता, नियंत्रित हो जाता है। वैसे ही आशा के स्तर पर मैं देखूँ तो अभी मैं जहाँ रुचि से कुछ पाकर सुखी होने में लगा हुआ था, शरीर से कोई अनुकूल संवेदना मिल जाए, उसके स्थान पर मैं अब ये पूरे स्पष्टता के साथ लक्ष्य का क्लैरिटी है मेरे अंदर, तो उसका मैं हर क्षण आस्वादन करता हूँ, तो मेरे अंदर एक लक्ष्य मूलक आस्वादन बना रहता है, संबंध व्यवस्था से अस्तित्व के दिखने के साथ, जागृति के साथ, उसके साथ संबंध में हर क्षण मैं मूल्य का आस्वादन कर रहा हूँ, वो मूल्य मेरे अंदर स्थापित है, मैं उसका हर क्षण आस्वादन कर रहा हूँ। उसके साथ ही मैं चयन करता हूँ किसी के साथ भागीदारी करने का, अगला व्यक्ति चाहे जैसा भी है, अगला व्यक्ति है ना नासमझ है, अपराध कर रहा है, गलत कर रहा है, फिर भी मेरे अंदर उसके प्रति संबंध का भाव बना रहता है, मुझे उसकी स्वयं व्यवस्था दिखाई देती है कि उसकी सहस्वीकृति भी वही है जो मेरी है, देख नहीं पा रहा इसलिए भटका हुआ है, इसलिए गलतियां कर रहा है, परेशान है, दुखी है, दिख लेगा तो जैसी मेरी स्थिति वैसी उसकी हो जाएगी। तो मेरा चयन हर बार इसी अर्थ में होता है, इस लक्ष्य मूलक मूल्य मूलक के साथ, फिर मैं रुचि मूलक आस्वादन को मैं उसी रूप में सुनिश्चित करता हूँ, इस रूप में मेरा चयन आस्वादन भी निश्चित हो जाता है। तो जो हम लोगों ने अभ्यास से किया, अगर उसके स्टेप्स को रिविजिट करें, उससे पहले कुछ प्रश्न हो तो मैं ब्रीफली ले लेता हूँ। नमस्ते। हाँ जी सर, प्रश्न ये है कि सर आप इतनी फास्ट बोलते हैं ना, वो शून्य समझ नहीं आता बीच में कि सेल्फ और बॉडी में जो शून्य है वो उसका क्या एक हम वो पॉइंट नहीं समझ पाते ना सर, आप बड़ी फास्ट फास्ट बोलना शुरू कर देते तो बीच में वो चीज छूट जाती है, समझ नहीं आती। शून्य मतलब जो हर जगह व्याप्त है उसको शून्य का, जो क्रिया शून्य जिसमें कोई क्रिया नहीं है बट हर क्रिया के आधार में है, तो उसको देखना शुरू करें तो पहले दूरी के रूप में दिखाई देता है, जैसे मेरे और दूसरे मनुष्य के बीच में दूरी है, हम कहते हैं क्या है ये, तो हम कहते हैं दूरी है, और पूछते हैं स्पेस है, मेरे और उसके बीच में स्पेस है, है ना, तो वो स्पेस ही जो है उसको हम अभी दूरी के रूप में पहचान रहे हैं, जब हम उसको रूप के स्तर पर देखते हैं, वैसे ही हम गुण के स्तर पर देखते हैं, देखता है कि अगर मैं दूसरे से बात भी कर रहा हूँ तो बीच में स्पेस है, मेरी आवाज मुंह से निकली अगले कान तक पहुंची, कान से उसके मुंह से निकली मेरे कान तक पहुंची, एंड सो ऑन, इस तरह संवाद हो रहा है स्पेस के माध्यम से, ये भी अपने को समझ में आता है। इसके आगे हमको जो संबंध दिखता है, व्यवस्था दिखता है, संस्कृति दिखता है, तो दिखता है इसके आधार में अल्टीमेटली स्पेस है, तो जो हर जगह व्याप्त है उसी को स्पेस करें, शून्य है, क्रिया शून्य है, असीम है, व्यापक है, क्रिया शून्य असीम है और व्यापक है, व्यापक जो हर जगह व्याप्त है। हाँ, जब गुण के रूप में देखते हैं तो हमें वो दिखाई देता है, रूप और गुण के स्तर पर हमको पहचानने में आता है कि हाँ दो ही जगह दूरी है, जैसे आप जहाँ हैं वहां से देखिए तो आपके दीवार घर के दीवार के बीच में और आपके उसमें दूरी है कि नहीं, तो है जी, है ना, अब ये दूरी में क्या है जी? हवा है, हवा के भीतर भी क्या है, ये हवा जो जगह जगह है, ये हवा कण भी कहाँ है, स्पेस में है, हवा के कणों के अंदर भी स्पेस है, हवा कणों के बाहर भी स्पेस है, कोई पूछे मेरे और दीवार के बीच में क्या है तो हवा है, बट हवा भी कहाँ है, स्पेस में है, दीवार के भीतर भी स्पेस है, मेरे शरीर के भीतर भी स्पेस है, मेरे मकान से बाहर भी स्पेस है जी, तो शून्य के रूप में हम उसको पहचानते हैं जी जी, अब इसे पहचानते ही हैं, है ना, उसके लिए कुछ मान लेते हैं, इसको जानना भी है, है ना, उसके लिए काम कर रहे हैं ताकि जान ले, फिर जानने से आश्वस्ति होगी, नहीं तो ये आश्वस्ति का अभाव रहता है, तो हम उसको रूप और गुण के स्तर पहचानते हैं, उससे काम भी चलता है हमारा, बट काम ही चलता है उसमें, वो तृप्ति या आश्वस्ति नहीं हो पाती, इसलिए हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न बने रहते हैं अस्तित्व को लेकर, है ना, व्यवस्था को लेकर, क्योंकि वो दिखना नहीं हुआ है, इसलिए हमारे अंदर आनंद की स्थिति नहीं बन पाती, इसलिए हमारे अंदर सुख की निरंतरता नहीं हो पाती, हार्मनी कॉन्टिन्यूटी नहीं होती जी।
सर एक क्वेश्चन और था कि हम लोग बच्चों को अभी शुरू से ही हम एनवायरनमेंट के से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ाते हैं, और अब तो बहुत मास्टर में भी आगे भी को बहुत सारे कोर्सेज हो गए, पर ये लय में प्रलय लाने वाला तो कॉन्शियस ही है, तो क्या? हम वो चीज क्यों नहीं, लय ये जो प्रकृति में लय चल रहा है, लय मतलब कि एक लय एक एक बिल्कुल व्यवस्था में तीनों ऑर्डर्स अपने को एग्जिस्ट कर रही हैं, पर इसमें इस लय में प्रलय लाने वाला भी तो ह्यूमन कॉन्शियस ही है। इतने बड़े बड़े जो बहुत कंट्रीज के लीडर्स हैं वो अपना कॉन्शियस कहाँ खोए बैठे हैं, एक दूसरे के साथ इतने वेपन्स और ये फाइट और ये सब कुछ बैटल्स चल रहे हैं, इसमें उनको उनके कॉन्शियस को अवेयरनेस के लिए जरूरत नहीं। हम तो यहाँ बच्चे को पढ़ाते ही है, पर हमारा आने वाला जनरेशन तो शायद ऐसा काम ना करे, पर वो जनरेशन जो ये काम कर रही है वो क्या सीख के आएगी? जी तो समझ का भाव है, दिखाई देता है, समझ का भाव है ना? सर बिल्कुल दिखाई देता है, वो तो समझ में आता है कि क्या वो इस पूरी हार्मनी में क्यों डिस्टरबेंस ला रहे हैं। जी जी बढ़िया दीदी। तो हमने जो अभ्यास एक किया था, अगर उसके स्टेप्स 4, 5, 6, 7 को देखें, तो स्टेप 4 में हमने ये देखा था कि अल्टीमेटली मैं ही हूँ जो निर्णय लेता हूँ अपने भाव का, है ना। स्टेप 5 में हमने देखा था कि जो भी मेरे अंदर भाव का निर्णय होता है उसका कुछ आधार है, या तो वो व्यवस्था संबंध शास्त्र की समझ पर आधारित है, या कुछ मान्यताएं बन गई हमारे अंदर उस पर आधारित है, परंतु मेरे अंदर सहज स्थिति बनी हुई है। स्टेप 6A में हमने अपने आप से पूछा था कि क्या हमें सहज रूप से स्वीकार है, संबंध का भाव या विरोध का भाव, व्यवस्था या अव्यवस्था, शासित या संघर्ष, ये निर्णय हुआ कि नहीं यही स्वीकार होता है। तो फिर हमने 6B में देखा था कि अगर यही स्वीकार होता है तो फिर संबंध के चिंतन की आवश्यकता है, व्यवस्था के बोध की आवश्यकता है, उसको हम वर्कआउट कर पाए थे अपने आप में। तो संबंध को समझने का मतलब, व्यवस्था को समझने का मतलब, शास्त्र को समझने का मतलब क्या है, ये हम लोगों ने भी डिस्कस किया। 6A में हम लोग इस बात को इन्वेस्टिगेट करते रहे कि मेरी सहज स्वीकृति क्या है, संबंध का भाव या विरोध का भाव, व्यवस्था का भाव या अव्यवस्था का भाव, सहज अस्तित्व का भाव या संघर्ष का भाव। और 6B में हमने इस बात को इंश्योर करने का प्रयास किया कि इसका चिंतन हो जाए, बोध हो जाए, अनुभव हो जाए, है ना। फिर स्टेप 7 में हमने ये अभ्यास किया कि जो भी मेरे अंदर चल रहा है उसी आधार पर चले, संबंध के अर्थ में हो, व्यवस्था के अर्थ में हो, संस्कृति के अर्थ में, इसको सुनिश्चित करने का हमने काम किया। पहले एक क्षण से शुरू किया, फिर इसको हर एक क्षण में सुनिश्चित करने का अभ्यास किया, यही करने का। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हम भाव के प्रति सजग हुए, दीदी का माइक ऑन है, हम भाव के प्रति सजग हुए, फिर अपने भाव में परिमार्जन के लिए अभ्यास किया, इतना ही कुल करने का काम है। तो अगर दो शब्दों में कहा जाए तो भाव के प्रति सजग होना, फिर उसमें परिमार्जन करना, सजगता और परिमार्जन यही काम है, इसी को हम अभ्यास एक में करते रहे। तो जितनी बातें आज उन्होंने की उसको एक बार फिर से ध्यान दें, समझने का प्रयास करें, इसके हर एक शब्द को समझने का प्रयास करें, फिर इस पर आगे कल चर्चा करेंगे, समय हो चला है तो आज चर्चा यहाँ पे रोकते हैं। तो ये बातें पहले भी आई थी चर्चा में, आज भी आई हैं, आगे भी आएंगी। इसका मुख्य काम तो ये है कि पहले हम इस एक एक शब्द और उससे जुड़े हुआ जो विवरण है उसको अपने अंदर पहले कल्पनाशीलता में ठीक से बैठा लें कि बात हमको स्पष्ट हो रही है कि नहीं, है ना, फिर उसको अपने आप में देखने का भी काम करेंगे। एक तो मैसेज नेक्स्ट सोम मंडे से जो इंट्रोडक्टरी इंग्लिश वर्कशॉप है उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक अवेलेबल है, उसी तरह से इस वर्कशॉप के लिए हमारे जो भी साथी वॉलेंटियर के रूप में अपनी भागीदारी करना चाहते हैं वो कृपया उसके साथ में जो गूगल फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हैं। जैसे भी हमें मालूम है कि स्टूडेंट्स के लिए एक फॉलोअप प्रोग्राम होता है हर वेनेसडे और फ्राइडे को इवनिंग 7:30 to 8:30, ये जूम द्वारा भी अवेलेबल है, उसी तरह से यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है। तो आज का जो सेशन है वो होलिस्टिक हेल्थ के बारे में, तो इसमें स्टूडेंट्स उसी तरह से फैकल्टी भी अटेंड कर सकते हैं, उसकी भी रजिस्ट्रेशन लिंक चैट बॉक्स में अवेलेबल, और उसी तरह से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब और वेबसाइट की लिंक भी चैट बॉक्स में अवेलेबल है, तो हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं।